एवरीवन, प्लेसमेंट के टाइम पे ना यार एप्टीट्यूड राउंड के बारे में बहुत डिस्कशन होता है। वैसे चाहे भले कोई इसके बारे में बात करे या ना करे, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हो जाते हैं तो उनकी शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए एप्टीट्यूड वाला राउंड करवाती हैं। अब अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये राउंड मस्ट है, जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि देखो, सर्विस बेस्ड कंपनीज में मोस्टली मास हायरिंग होती है, तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको छांटने के लिए, देखो इतने इंटरव्यूअर्स तो नहीं बैठे कि सबका इंटरव्यू ले सके, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम करने के लिए या शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए वो तो एप्टीट्यूड राउंड जरूर करवाती हैं। बट अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए कर रहे हो तो एप्टीट्यूड राउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्ट केसेस में दे डू टेक एन एप्टीट्यूड राउंड, बट कभी कभी नहीं भी लेती हैं। तो अभी भी ये बताओ कि एप्टीट्यूड पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो हाँ यार, चाहे आप सर्विस बेस्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप प्रोडक्ट बेस्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एप्टीट्यूड जरूर पढ़ना है। अब हाँ, अगर आप टेक प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मेजरली चार सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। चार सब्जेक्ट्स में क्या क्या है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा एक चौथा टॉपिक होगा आपके लिए जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि DBMS, OOPS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब। पर अगर आप नॉन टेक प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू हैव टू फोकस ऑन क्वांट्स, वर्बल एंड लॉजिकल। अब देखो, पानी में कूदने से पहले ये पता करना बहुत जरूरी है कि कितना गहरा पानी है। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यार, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, कंपनीज एप्टीट्यूड राउंड करवाती क्यों है? पहला तो देखो, वो छांटना चाहती है, बच्चे कम करना चाहती है, एक रीजन वो है। उसके अलावा वो आपकी लॉजिकल और थिंकिंग एबिलिटी को चेक करना चाहती है। हालांकि भले आपको ये आगे काम आए ना आए, मोस्ट केसेस में आपके जॉब के टाइम पे आपकी एप्टीट्यूड वाली स्किल काम नहीं आती है, बट जस्ट बिकॉज कंपनीज वॉन्ट टू नो वॉट इज योर थिंकिंग केपेबिलिटी एंड वॉट इज योर हाउ लॉजिकली यू थिंक फॉर एनी प्रॉब्लम, दैट्स वाई वो मेजरली ये एप्टीट्यूड वाला राउंड करवाती हैं। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आप लास्ट के लिए रख सकते हैं। अब अपनी स्पीड के हिसाब से आप प्लेसमेंट के 2-3 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ताकि व्हेन यू विल बी सिटिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स, एट दैट टाइम तुम्हारा एप्टीट्यूड का जो नॉलेज है वो फ्रेश रहे। बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कॉलेज में घुसते से ही तुम परेशान होने लगो कि एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है, नहीं। वो टाइम ऐसा होता है स्टार्टिंग के, मैं तो कहूंगी 2-2.5 साल तुम्हें अपने कोर सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है एंड उसके साथ साथ अपनी कोडिंग स्किल पर ध्यान देना है। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन मैं फिर से कह रही हूँ, प्लेसमेंट आने वाला रहे उसके 2-3 महीने पहले से स्टार्ट कर दो। अब दीदी, आपने कैसे पढ़ा कि 13-13 कंपनीज क्रैक कर ली आपने? तो मैंने यार फेस प्रेप और प्रेप इंस्टा से सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स देखे, सैंपल पेपर्स देखे कंपनी के, और एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो, मेरा सिंपल सा लॉजिक है, एप्टीट्यूड बहुत वास्ट है, बहुत टॉपिक्स होते हैं उसमें। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनकी तैयारी करनी है। मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने 1 हफ्ते तैयारी करी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक की, मान लो टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और उस 1 हफ्ते के एंड में आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस अच्छे से लगा पा रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप 1 हफ्ता स्पीड टाइम और वर्क पे दे रहे हो तो हफ्ते के एंड में आप स्पीड टाइम और वर्क के सारे क्वेश्चंस लगा पा रहे हो। तो इस केस में देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। बेटर है कि ऐसे टॉपिक्स पकड़ो जिनको तुम बढ़िया से कर पाओ, जिनके सारे क्वेश्चंस लगा पाओ। मतलब बहुत सिंपल तरीका है कि अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसको तुमको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं, तो बेटर है कि फॉर अ टाइम बीइंग उसको छोड़ दो। क्योंकि देखो, तुम्हें टॉपर नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। सो ऐसे टॉपिक्स पकड़ो जो इजिली कर पाओ और जिनकी प्रिपरेशन के बाद तुम श्योर रहो कि इसके क्वेश्चंस तो मैं कर ही लूंगा। अगर बहुत मन है तो चलो डिफिकल्ट टॉपिक्स से तुम फॉर्मूले पढ़ सकते हो, कि कुछ अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो वो तो ना छूटे, वो कर ही लो। अब पढ़ना कहाँ से है? तो मैंने यार अरुण शर्मा से पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि देखो यार, पूरी किताब मुझे नहीं पढ़नी थी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हर टॉपिक को मुझे डीपली पढ़ना है। बट हाँ, अरुण शर्मा में काफी सारे शॉर्टकट्स और टिप्स दिए हुए हैं पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने बुक पढ़ी, उसके बाद जहां जहां मुझे लग रहा था कि मेरे को नोट्स बनाने की जरूरत है फॉर्मूले के या टिप्स और ट्रिक्स के, तो मैं वो नोट्स बना लिया करती थी। पर ये सेम चीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो काम देगी, बट वर्बल में और लॉजिकल में ये ट्रिक काम नहीं करेगी।
तो वर्बल और लॉजिकल के लिए आप क्या कर सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स पर जाओ, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करो। जैसे मान लो तुमको लॉजिकल में ब्लड रिलेशन करना है, तो तुमने ब्लड रिलेशन सर्च किया, उसके जितने क्वेश्चंस हैं, तुमको जितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को लगाओ, एंड आई एम श्योर कि एक बार में दो बार में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो उनके आंसर्स को मैच करो और वो सॉल्यूशन फिर दूसरी बार दिमाग में रखो। एंड अगर कोई लग रहा है ऐसा कि तुमको नोट कर लेना चाहिए कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे तुमने मान लो डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व किया, या मान लो तुमने कोई डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सॉल्व किया, या तुमने कोई पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया और तुम्हें लग रहा है कि ये चीज नोट करने लायक है, तो तुम उस चीज को नोट कर लो, जिससे आगे जब तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। तो ऐसे अगर तुम वर्बल का और लॉजिकल के टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रिपरेशन काफी आसान हो जाएगी और एक एक टॉपिक कवर होते जाएगा। नाउ Aptitude is not about solving any problem or giving it solution. It's about your speed and accuracy. तो जो question का level होता है ना वो 6 to 8 तक का ही होता है and max 9th standard तक का। तो अगर आप graduation कर रहे हो तो आराम से वो questions तो आप solve कर लोगे, but it's about how fastly you solve those questions and how is your accuracy. Now that you are sure कि तुम्हारी preparation strong है, you have to focus on your speed. So, स्पीड जो है रातों रात नहीं आती है, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। तो मैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ती थी तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के 2-3 टेस्ट पेपर्स लगा लेती थी, उससे उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो स्ट्रांग हो जाती थी। एंड एट द एंड मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स लगाया किया करती थी। इंडिया बिक्स वेबसाइट पे काफी सही क्वेश्चन पेपर और टेस्ट पैटर्न रहता है, सो यू कैन फॉलो इंडिया बिक्स, उस पर क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हो। इसके अलावा हिटबुल साई भी है, काफी सही है। इन दोनों के अलावा आई डोंट थिंक आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत पड़ेगी। यू कैन इजीली ट्राई ऑन इंडिया बिक्स एंड हिटबुलसाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब कमेंट करो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं डीबीएमएस एंड ऑल, उनकी अगर आप चीट शीट चाहते हो। बाकी अगर इफ वी मेक द टारगेट कि इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाएंगे, सो आई एम श्योर मैं शेयर कर दूंगी आपको वो चीट शीट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है सो डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर वीडियो आपके काम आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आई एम श्योर आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल होगा, सो शेयर इट टू देम। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।